सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय माता दी बंधुओं, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस बेहद ही खास महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट वीडियो में, जो कि बनाया गया है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, यानी कि धनु राशि वाले जातकों के लिए। बंधुओं, इसके पहले भी हमने कई बार धनु राशि के लिए भविष्यवाणियां की हैं जो कि शत प्रतिशत सही हुई है। ये बात हम नहीं कहते, ये बात आपके कमेंट बॉक्स में आप लोग हमें कमेंट करके बताते हैं कि गुरुजी, आपने जितनी भी भविष्यवाणियां की हैं वो शत प्रतिशत सही हुई हैं। बंधुओं, आज का जो हमने वीडियो बनाया है वो बहुत ही रिसर्च करके, बहुत ही मेहनत करके बनाया गया है। ज्योतिष शास्त्र के जितने भी बड़े बड़े महान ग्रंथ हैं उन सब से धनु राशि वालों के लिए कुछ उपायों को खोज कर हम लाए हैं। हमने कमेंट बॉक्स में देखा है, आप लोग जो हमें कमेंट बॉक्स में आपकी परेशानियों के बारे में बताते हैं, हमने उन कमेंट बॉक्स की उन परेशानियों को आधार में रखकर इन उपायों को बताया है। और हम ये दावा करते हैं कि अगर आप ये उपाय शत प्रतिशत पूर्ण श्रद्धा के साथ अगर आप करें तो आपके सारे बनते काम, आपके जितने भी काम हैं जो कि बन नहीं रहे, आपके सारे बिगड़ते काम बन जाएंगे। आपको शत प्रतिशत सफलता मिलेगी, आप करियर की नई ऊंचाइयों पर चढ़ेंगे, आप जिंदगी के हर मोड़ पर सफलता प्राप्त करेंगे, चाहे महिलाओं से जुड़ी परेशानियां हो, छात्रों के जीवन से, व्यापारियों के जीवन से, वो हर तरह की परेशानियों को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, वो सारे उपाय हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। बंधुओं, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप जितना हो सके इसे धनु राशि वाले लोगों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें। आपके एक शेयर से किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। अगर आप धनु राशि के वीडियोस और पाना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल देशी भक्ति को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं उन्हें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हमें बताएं, हमारे अगले वीडियो में हम उन्हें सॉल्व करने की ज़रूर से ज़रूर कोशिश करेंगे। बंधुओं, ये वीडियो ज्योतिष शास्त्र के ज्ञान के आधार पर बनाया गया है। ज्योतिष एक विज्ञान है। आपको बता दें कि ज्योतिष भाग्य नहीं बदलता बल्कि कर्म पथ बताता है, और सही कर्म से भाग्य को बदला जा सकता है, इसमें किसी भी तरह का कोई भी संदेह नहीं है। ज्योतिष विद्या और आपका राशिफल आपको सही समय पर सही कार्य करने के बारे में ज्ञान देते हैं ताकि आप सर्वाधिक लाभ उठा सकें। जिन वस्तु और घटनाओं की ईश्वर अनुमति नहीं देता है उनको ना तो आप बदल सकते हैं और ना ही कोई और। आपको बता दें कि इस पूरे विश्व में काफ़ी तादाद में लोग हैं और मात्र 12 राशियों के आधार पर राशिफल सामान्य भविष्यवाणी ही कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल सटीक राशिफल चाहते हैं तो आपको एक विशेषज्ञ ज्योतिषी की सलाह लेना चाहिए, जो कि आपकी कुंडली के गहन अध्ययन के पश्चात आपको बिल्कुल सही सही राय दे सके। आपको बता दें कि धनु राशि वालों की जिंदगी में अभी शनि की साढ़े साथी चल रही है। शनि की साढ़े साथी में आप लोगों के कर्मों के हिसाब से शनिदेव दंड या पुरस्कृत करते हैं। आपको बता दें कि 2020 आपके लिए अच्छा जाएगा अगर आप सदकर्म करेंगे, सही मार्ग पर चलेंगे तो शनिदेव आपको सही परिणाम देंगे। आपको बता दें कि लग्नेश गुरु खुद लग्न में विराजित हैं, इसलिए आपके व्यक्तित्व को बहुत ही अच्छा 2020 में समय मिल सकता है। आपके व्यक्तित्व में 4 चांद लग सकते हैं। आपको जीवन में जो भी परेशानियां हैं उन सब के बारे में हम आपको उपाय बताते हैं। ये उपाय बहुत ही रिसर्च के साथ बनाए गए हैं, इसलिए आप बहुत ही ध्यान से ज़रूर सुने। आपको बता दें कि आपको शनि की साढ़े साथी चल रही है, आपको शनि निवारण पैकेट ज़रूर लेना चाहिए। शनि निवारण पैकेट क्या होता है कि वो अभिमंत्रित, प्राण प्रतिष्ठित और सिद्ध करके शनि निवारण एक किट होती है, वो आप कहीं भी ज्योतिषी की दुकान से ले सकते हैं या फिर आप किसी अच्छी सी ऑनलाइन साइट से आप ले सकते हैं। उसके अंदर कुछ बहुत ही चमत्कारिक चीज़ें होती हैं जिनका आप उपयोग करेंगे तो आपको शनि की साढ़े साथी से मुक्ति मिलेगी और शनि देव का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा।
किसी भी तरह का रोग आपके जीवन में नहीं आए, इसलिए आपको इस किट को ज़रूर लेना चाहिए, उसकी पूजा ज़रूर करना चाहिए। आपको बता दें कि आपको शाल, सफ़ेद आँख के पेड़ को अपने घर के आसपास पश्चिम दिशा की तरफ लगाना है। शाल और सफ़ेद आँख कहाँ लगाना है? पश्चिम दिशा की तरफ। इससे क्या होगा? आपके जीवन में संपन्नता आएगी, भोलेनाथ का भी आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा, शनि के दोष से आपको मुक्ति मिलेगी और जीवन की हर प्रकार की समस्या का आपके जीवन में समाधान हो जाएगा। बहुत ही आसान है, आप किसी भी नर्सरी में जाइए, वहाँ से आप ये दो पेड़ खरीदिए और अपने आसपास पश्चिम दिशा की तरफ लगा दीजिए। जैसे जैसे इन पेड़ों का आकार बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपके जीवन में हर प्रकार की समस्या का अंत होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आपको 11 मुखी रुद्राक्ष को अपने गले में धारण करना चाहिए, इससे आप अपने जीवन में विशेष उपलब्धि प्राप्त करेंगे। अगर आप अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये बिल्कुल सहायक सिद्ध होगा और निर्णायक सिद्ध होगा, आपके करियर को बढ़ाएगा और आपको उन्नति प्रदान करेगा। इसलिए 11 मुखी रुद्राक्ष को आपने अपने गले में धारण करना है। जब भी आप 11 मुखी रुद्राक्ष लें तो ये ज़रूर से ज़रूर ध्यान दें कि आपने वो असली खरीदा है, ओरिजिनल खरीदा है। इसलिए आप इस 11 मुखी रुद्राक्ष को किसी जानी मानी दुकान से ही लें, जिससे कि आपको सही चीज़ें प्राप्त हो सकें। अब हम आपको बताने जा रहे हैं आपके कुछ भाग्य रत्न के बारे में धनु राशि वालों के लिए। आपको बता दें कि आपकी राशि का स्वामी है बृहस्पति, इसलिए आपको पुखराज रत्न को इस राशि का भाग्य रत्न माना गया है। पुखराज रत्न गुरु को भाग्य, प्रेम, सुख और बुद्धि का कारक माना गया है, इसलिए धनु राशि के जातकों को पुखराज पहनने से गुरु से संबंधित इन सभी चीज़ों की प्राप्ति होती है। अगर आप अपने जीवन में भाग्य, अच्छा भाग्य, प्रेम, सुख और बुद्धि पाना चाहते हैं तो आपको पुखराज रत्न पहनने में बिल्कुल भी देर नहीं करना चाहिए। पुखराज के अलावा आप लोग टोपास, टाइगर आई, लेपिस लजूली, अकेट, एमेथिस्ट ये भी पहन सकते हैं और इससे भी आपके भाग्य में वृद्धि होगी। आप लोगों को टोपाज स्टोन पहनने से सबसे ज़्यादा लाभ होता है। टोपाज स्टोन पहनने से आपको सबसे ज़्यादा लाभ होता है। टोपाज को पुखराज का उपरत्न माना गया है। अगर आप किसी वजह से पुखराज नहीं पहन पाते तो आप टोपाज को पहन सकते हैं। ये रत्न आपके जीवन में सुख, सकारात्मकता और शांति लेकर आता है। गार्नेट, माणिक्य और लेपिस लजूली भी आपके लिए बहुत भाग्यशाली माने जाते हैं। माणिक्य से आपको अपने लंबे समय से रुके हुए कार्यों को पूरा करने में मदद मिलती है। ये स्टोन आपको अपने जीवन में सही दिशा पाने में मदद करता है। वहीं दूसरी ओर गार्नेट आपके लिए तिलिस्मानी रत्न का काम करता है और इससे आपको अपने करियर में सफलता और पहचान मिलती है। जो स्टूडेंट्स हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, सफलता पाना चाहते हैं तो आपको गार्नेट रत्न को ज़रूर से ज़रूर धारण करना चाहिए। बात करते हैं धनुराशि की महिलाओं के बारे में। धनुराशि की महिलाएँ सोने की धातु में पुखराज स्टोन को जड़वाकर तर्जनी उंगली में धारण कर सकती हैं। पुखराज स्टोन को तर्जनी उंगली में सोने की धातु में जड़वाकर पुखराज की अंगूठी के अलावा आप इसे लॉकेट या ब्रेसलेट या फिर किसी अन्य ज्वेलरी के रूप में भी पहन सकती हैं। आपको बता दें कि धनु राशि की महिलाएं पुखराज के प्रभाव से आर्थिक रूप से ज़्यादा मजबूत और आत्मनिर्भर बनती है। किसी भी तरह की कोई भी आपको पैसे की कभी भी कमी नहीं आएगी। आप इंडिपेंडेंट बनेंगी और आप अपने करियर में आगे बढ़ेंगी अगर आप पुखराज स्टोन को धारण करेंगी तो। बात करते हैं धनु राशि के पुरुषों के बारे में। इस राशि के पुरुषों के लिए भाग्य रत्न की बात करें तो आपको जिरकॉन स्टोन पहनना चाहिए। जिरकॉन इस स्टोन के सकारात्मक प्रभाव से आपकी छिपी हुई खूबियां और ताकत सामने आती हैं। इस रत्न की मदद से आप आत्मनिर्भर, साहसी और मुखर बनते हैं। जीवन में सही निर्णय लेने में भी जिरकॉन आपकी मदद करता है। तो बंधुओं, अगर आपके जीवन में अलग अलग तरह की ये परेशानियां हो तो आप अलग अलग रत्न पहन सकते हैं।
ये था बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो धनु राशि वालों के लिए। बंधुओं, ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो था, बहुत ही रिसर्च करके ये वीडियो बनाया गया था, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को आप धनु राशि वाले अन्य लोगों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके एक शेयर से किसी की ज़िंदगी बदल सकती है, बन सकती है, और एक शेयर करने से आपको किसी भी तरह का कोई भी पैसा खर्च नहीं होता है। आपकी ज़िंदगी में जो भी परेशानियाँ हों, आप उन्हें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धनु राशि के और भी वीडियोस पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।